हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आए एक प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच को कैसे कनेक्ट करोगे ऑफिशियल ऐप से। तो गाइस, आई 8 प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच का ऑफिशियल ऐप है हैरी फाइन ऐप। तो हैरी फाइन ऐप से मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। तो हैरी फाइन ऐप से आपको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में आपको ब्लूटूथ ऑन करना है और लोकेशन ऑन करना है और वाईफाई भी ऑन कर देना है या फिर नेट। वैसे मेरे यहाँ वाईफाई, तो मैं वाईफाई ऑन कर रहा हूँ, तो आप नेट ऑन कर देना। तो उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है और डाउनलोड करना है हैरी फाइन ऐप। तो यहाँ मैं प्ले स्टोर पर जाऊँगा और यहाँ बस मैं सर्च करूँगा हैरी फाइन ऐप के लिए। तो आप देखोगे तो हैरी फाइन ऐप आ जाएगा, तो आपको इसको डाउनलोड करना है। तो मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया हैरी फाइन ऐप। तो आप देखोगे तो आपको पहले लोगों कुछ ऐसा देखने मिलेगा। आपको अलाउ करना है हर एक चीज़ के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर देना है और ये सारी चीज़ों को आपको एक्सेस दे देनी है। और यहाँ मेरे पास i8 Pro Max स्मार्ट वॉच है और यहाँ से आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है। अपनी ईमेल आईडी डाल के लॉगिन मत करना, डायरेक्ट लॉगिन करना है यहाँ से। तो जैसे ही आप डायरेक्ट लॉगिन करोगे तो यहाँ आपको एक खुद ही ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आएगा, इसको स्क्रीनशॉट वो बोलते हैं, पर आप मत लेना। आप जब भी डालोगे तो डायरेक्ट लॉगिन कर देना। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ आपको नाम डालना ज़रूरी है, बिना नाम के आप आगे ही नहीं जा सकते हो। तो यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो अभी ये ऐप खुल चुका है। तो यहाँ आपको सेट करना है। तो यहाँ से अभी आप देखोगे तो यहाँ क्रॉस आ रहा है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ वॉच फाइंड होगी। तो अब यहाँ आपको वॉच पे क्लिक करना है। अभी ये ओपन होगा पूरा। तो अभी ये पूरा ओपन हो चुका है। तो अभी यहाँ आपको यहाँ वॉच पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वॉच पे क्लिक करोगे ये कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ एक टिक आ जाएगा, तो इससे आपको समझ जाएगा कि वॉच कनेक्ट। तो अब यहाँ आपको स्टेप्स का पूरा डाटा देखने मिलेगा, डिस्टेंस देखने मिलेंगे। तो अब यहाँ वॉच कनेक्ट हो चुकी है। तो अब मैं डाटा पे जाऊँगा। तो डाटा पे अब मैं जैसे ही जाऊँगा तो आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने कोई स्टेप्स नहीं लिए, तो यहाँ डाटा नहीं आया। स्पोर्ट्स मोड में आप अपना पूरा ट्रैक कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो वॉकिंग वॉकिंग ट्रैक कर सकते हो स्पोर्ट्स मोड में। और आप ये देखोगे तो यहाँ मेरा नाम लिख के आ चुका जो मैंने डाला था। कनेक्ट हो चुकी है वॉच पूरी तरीके से। तो अब मैं आपको पूरे फीचर्स दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलता है डिवाइस सेटिंग्स। तो डिवाइस सेटिंग्स में जाओगे तो आप अपनी वॉच को फाइंड कर सकते हो, जिससे आप देखोगे तो आपको वॉच फाइंड मिलेगी। इसका मतलब कि i8 Pro Max वॉच पूरी तरीके से कनेक्टेड है। मैसेज रिमाइंडर, आप इसमें मैसेज रिमाइंडर भी डाल सकते हो कि अगर आपको कौन से ऐप के मैसेजेस चाहिए वो आप ले सकते हो अपनी वॉच में। अलार्म रिमाइंडर भी आप अपनी वॉच में ले सकते हो। और यहाँ आप सिटिंग रिमाइंडर भी ऑन कर सकते हो। रिमोट सेल्फी में अगर आप इसको ऑन करते हो तो रिमोट सेल्फी में आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो अपने वॉच के थ्रू फ़ोन में। तो रिमोट सेल्फी में आप ये कर सकते हो। स्लीप मॉनिटर कर सकते हो कि आप कितने घंटे की स्लीप लेते हो। हार्ट रेट भी मेजर कर सकते हो। और इसमें आप टाइम लगा सकते हो कि एवरी 60 मिनट्स में हार्ट रेट मेजर होनी चाहिए कि नहीं। वैसे इन वॉचेस में हार्ट रेट शो के लिए होती है, कुछ खास काम नहीं करती हार्ट रेट। मैं अगर आपको दिखा दूँ तो हार्ट रेट की सिर्फ यहाँ एक लाइट आ रही है बस, क्योंकि गाइस इतने कम रेट में हार्ट रेट एक्यूरेट नहीं मिलती है। तो और आप वाइब्रेशन तो ऑन ही है, पावर सेविंग मोड ऑन कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो वॉच में। और यहाँ ये बता सकते हैं आपको कि आपने कौन से ऐप में वॉच को पहना है। फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो और डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो अब ये थे पूरे डिवाइस के फीचर। आप अपना स्टेप गोल भी सेट कर सकते हो कि आपको कितने स्टेप्स चलने। वैसे 6000 स्टेप्स चलने ही चाहिए रोज। और थीम चेंज कर सकते हो यहाँ से ऐप की। बैकग्राउंड प्रोटेक्टर ऑन कर सकते हो। वैसे बैकग्राउंड प्रोटेक्टर कुछ काम का नहीं। आप फोन बुक में अपने कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, ये अच्छा फीचर है। और आप यहाँ से डायल सेटिंग्स में जाके आप आपकी खुद की फ़ोटो ऐड कर सकते हो। इसमें तीन टाइप के डायल होते हैं। पहला जो आपकी वॉच में फेस है, जैसे कि ये डायल फेस है। दूसरा कि आप डायल मॉल से फेस लगा सकते हो। और तीसरा जो आप कस्टम वॉच फेस, मतलब अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो।
तो मैं आपको डाइल मॉल से लगा के दिखा देता हूँ। तो ये सब वो वॉच फेसेस है जो मैंने पहले ही एक बार अपनी वॉच में डाले हैं। तो ये सारे वो वॉच फेसेस हैं, तो ये मैंने यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ रिकमेंडेड में आपको कई सारे नवे नवे वॉच फेसेस देखने मिलेंगे। तो यहाँ सब नवे, और इसके लिए ये वॉच फेसेस डाउनलोड होने के लिए नेट चालू रखना ज़रूरी है। अगर आप नेट चालू नहीं करोगे तो वॉच फेस लोड नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नेट चालू रखना है, यहाँ आपको नेट की ज़रूरत पड़ती है। और अब मैं ये वाला वॉच फेस यहाँ से डाउनलोड करूँगा। पे मत करना, वैसे यहाँ 1 रुपीज़ लिखा है पर इन्होंने क्रॉस किया हुआ है, पेमेंट के लिए बोल रहे नहीं है, पर हो सकता है कि आगे बोले। तो अभी ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है वॉच में, तो इसे अपलोड होने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो आप देख सकते हो कि अपलोड हो चुका है पूरा, और अब यहाँ सेट हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, तो यहाँ वॉच फेस आ चुका है। एक्चुअली वॉच फेस आया है पर वॉच फेस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि वॉच का डिस्प्ले LCD डिस्प्ले है और आप फ़ोन में देख रहे होगे तो आपको एमोलेड डिस्प्ले दिख रहा होगा, तो इसलिए आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। पर फिर भी आप देखोगे तो काफ़ी क्लियर आया है वॉच फेसेस में, और ये अच्छा ही दिख रहा है। मतलब वॉच फोटो अगर आप देखोगे तो फटी नहीं है फोटो, फोटो क्लियर है एकदम। पर गाइज इन पर क्या होता है ना, जब आप अगर अपनी खुद की फोटो लगाओगे तो वो फट जाती है, क्योंकि जो हम फोन से फोटो खींचते हैं उसकी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा होती है, और वॉच में इतनी ज़्यादा मेमोरी की फोटोज़ नहीं आ पाती है। तो गाइज ये थे पूरे फीचर i8 Pro Max स्मार्ट वॉच को कैसे कनेक्ट करेंगे QiFit ऐप से। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।